हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पंकज सावर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिटकॉइन एक्सप्लेनर में आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब से ये आरबीआई का सर्कुलर जारी हुआ है उसके बाद से धड़ाधड़ कोई ना कोई एक्सचेंज कुछ ना कुछ ऑप्शन लेके आ रहा है, या बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने रख दिए 5 जुलाई के बाद में, कि अगर बैन होता है तो हम इंटरनेशनल वेबसाइट से विड्रॉ ले सकते हैं, अगर बैन होता है तो हम पीयर टू पीयर ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, तसल्ली नहीं मिल रही है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहला जो रीजन है कि अगर हम इंटरनेशनल वेबसाइट से लेते हैं तो उसमें हमारे को चार्जेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं, 10 से 20-25% तक के चार्जेस लग जाते हैं। और जो पीयर टू पीयर जो हमारे इंडियन एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने पीयर टू पीयर जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं उन पे कहीं ना कहीं वॉल्यूम की बहुत कमी है। और एक और जो प्रॉब्लम आता है पीयर टू पीयर के अंदर, जब हम बैंक में ट्रांसफर करते हैं किसी थर्ड पार्टी को, या जिस जो हमारे से बिटकॉइन खरीद रहा होता है या हम जिससे बिटकॉइन खरीद रहे होते हैं, तो बड़ा चक्कर रहता है कि हर बार एक बेनिफिशियरी ऐड करो, उसको पैसा ट्रांसफर करो, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करो, ये सब चेक चीजें चेक करो। तो बहुत मामला जो है अगर ओवरऑल बात की जाए तो मुश्किल हो जाता है और बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी सी है इन सब चीज़ों के अंदर। तो एक अच्छी बात क्या है, जो बिट बीएनएस है जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन एक्सचेंज कह लीजिए आज की डेट के अंदर, तो उसने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है कि आपको पीयर टू पीयर के चक्कर में भी ना पड़ना पड़े, और जो इंटरनेशनल साइट से अगर आप ट्रेड करके अकाउंट में पैसा लाते हैं उसमें भी आपका जो खर्चा होता है वो आपका बच सके। दोस्तों, जो बिट बीएनएस है उसने एक अच्छा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की है इसके लिए, और आपको बता दें उन्होंने एक वेबसाइट के साथ में टाई अप किया है जिसका नाम है बिट फॉरेक्स। सुनने में यही आ रहा है कि ये बिट फॉरेक्स जो है इन्हीं की कंपनी है, इन्हीं की सब्सिडरी है। और दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि आरबीआई के सर्कुलर के हिसाब से जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है या जो इंडिविजुअल क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं वो लेना देना नहीं कर पाएंगे क्रिप्टो करेंसी का बैंक के थ्रू, लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा है कि जो एक्सचेंजेस हैं वो किसी और वेबसाइट के साथ में डील नहीं करेंगे। तो उन्होंने इसी चीज का फायदा उठा के क्या किया है, एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है bitforex.com, और उसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि जो काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि उसके थ्रू आप अपने यूपीआई ऐप के थ्रू उसके अंदर डिपॉजिट कर पाएंगे और वो जो फंड्स है वो बिट बीएनएस में इजीली ट्रांसफर कर पाएंगे। और दूसरी चीज उन्होंने जो की है जो कि काफी इंटरेस्टिंग हमें लगी कि आप जो है बिट बीएनएस से बिट फॉरेक्स में ट्रांसफर कर पाएंगे बहुत इजीली। उसके लिए जो आपकी ईमेल आईडी बिट बीएनएस के अंदर होगी वही ईमेल आईडी आपको यूज करनी पड़ेगी, वही फोन नंबर यूज करना पड़ेगा बिट फॉरेक्स के अंदर, और उसके अंदर ट्रांसफर करके बिट बीएनएस से, जो कि आप कह सकते हैं काफी फास्ट और इजी तरीका है, उससे जो है आप पैसा बैंक अकाउंट में ले पाएंगे। लेकिन बिट बीएनएस से बिट फॉरेक्स में तो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन बिट फॉरेक्स जो है हो सकता है 24 घंटे से 72 घंटे यानी कि एक दिन से 3 दिन लगा दे आपके फंड ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन जो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो एक्सचेंजेस हैं वो यूजुअली 24 से 48 घंटे 3-3 दिन ले लेते हैं, तो वही चीज वो काम करेगा। तो हमें तो काफी इंटरेस्टिंग लगी और पूरी डिटेल में आपको थोड़ा समझाते हैं कि कैसे ये काम करेगा, और उसके लिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, शायद आपने नोटिस किया होगा लेकिन आपको बता दें हमने पहले भी कुछ वीडियोस बिट डीएनएस के प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दें कॉइन मार्केट कैप पे अगर बात करें तो वो वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगा कि इंडिया के हिसाब से देखें तो 100-200 बिटकॉइन की डेली की इसकी ट्रेडिंग है, और ऑलमोस्ट 61 कॉइन्स के पेयर्स जो है आपको यहाँ पे ट्रेड करने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, जब भी हमारी बिट बीएनएस के रिप्रेजेंटेटिव्स या उनकी टीम से बात होती थी और हम उनको बोलते थे कि क्यों आप कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल के लेके आ रहे हो, तो उनका हमेशा कहना था कि हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं और कुछ ऐसा कॉन्क्रीट निकालें कि उसका सॉल्यूशन जो है इजी रहे लोगों के लिए विड्रॉ और डिपॉजिट करने का इंडिया में INR को लेके। दोस्तों, लेकिन उसको यूज करने के लिए आपको बिट बीएनएस की साइट पर रजिस्टर करना पड़ेगा, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आप वहां पर रजिस्टर करके प्रॉपर KYC भर के अपना जो है इसको यूज कर सकें और इंडिया के अंदर भी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग इजीली कर पाएं। दोस्तों, जब आप रजिस्टर कर लेंगे और इसके अंदर लॉग इन करेंगे तो उनके वॉलेट में आपको जाना पड़ेगा। वॉलेट के अंदर जाके आपको देखेगा राइट साइड में, अगर आप नोटिस करेंगे, एड मनी टू वॉलेट और विड्रॉ मनी
टू वॉलेट। दोस्तों अगर डिपॉजिट करना चाहते हैं आप वॉलेट के अंदर यानी कि बिटबीएनएस में मनी को, तो आप जो है ऐड मनी पे क्लिक करेंगे और विड्रॉ करना चाहते हैं अगर यहाँ पे आपका बैलेंस है और आप बैंक में लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन निकलेगा। यू कैन डू इट इन अ टू वे, एक जो ट्रांसफर थ्रू वाउचर और दूसरा है बैंक ट्रांसफर, जो कि हो सकता है अगले 10-15 दिन के अंदर वो बंद कर दें, तो इसके लिए ये ऑप्शन लेके आए। जब आप क्लिक करेंगे ट्रांसफर टू वाउचर तो एक आपको लिंक दिखाई देगा बिड फॉर एक्स BIDFORX.com, तो ये इनकी वेबसाइट है, उस पे आप वाउचर के थ्रू जो है वहां पे अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। उसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। तो इसी सिंपल तरीके से आप विड्रॉ भी कर सकते हैं बिट बीएनएस से, बिट फॉरेक्स से बैंक अकाउंट के अंदर, और ऐसे ही आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं बिट फॉरेक्स से बिट बीएनएस के अंदर। तो ये होगा कैसे, सबसे पहले आपको उनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा जिसका नाम है bitforex.com, और वहां पे जाके आपको लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद रजिस्टर पे जाना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा, अपना नाम जो भी डिटेल्स हैं वो भरनी पड़ेंगी, और डिटेल भरने के बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको जो आपने ईमेल आईडी डाली होगी और मोबाइल नंबर डाला होगा, दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो bitbns के अंदर ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है वही आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, और वहां पे ओटीपी आएगा। जब वो ओटीपी आप डाल देंगे तो ये आप वेरीफाई कर देंगे कि आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर, और आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। दोस्तों जैसे आपने bitbns के अंदर अपनी केवाईसी करी थी, अब यहाँ पे भी आपको जो है केवाईसी करनी पड़ेगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट करना पड़ेगा ताकि जो है आप इजीली ट्रांसफर ट्रांजेक्शन कर पाए। दोस्तों आपकी केवाईसी पूरी होने के बाद में जो बिड फॉरेक्स उसकी जो है वाउचर वाले कॉलम में जाना है, यानी कि वाउचर वाले टैब पे क्लिक करना है, उसके बाद में जनरेट वाउचर करेंगे। अगर आप यह बिट बीएनएस में ट्रांसफर करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आप 50,000 रुपये बिट बीएनएस के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आपको 50,000 रुपये यहाँ क्लिक करना पड़ेगा और एंटर रिसिप्ट ईमेल आईडी, और जो रिसिप्ट ईमेल आईडी है वो आपको जो आपके लिए अलग से होगी, बिट बीएनएस में आपको मिल जाएगी, और आपको ये जैसे हमारी IN+75740@bitbns.com आपकी भी कोई ना कोई होगी, आप ऐसे जनरेट कर सकते हैं वाउचर। और वो जनरेट करने के लिए अभी देख सकते हैं कि हमारा जो बैलेंस दिखा रहा है वो अभी एनफ बैलेंस नहीं है। तो दोस्तों यानी कि डिपॉजिट के लिए पहले हमें जो है इस बिट फॉरेक्स जो आपकी साइट है उस पर INR में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और उसका करने का सिंपल तरीका है एड बिट्स पे जाएंगे और आप अपना UPI ऐप जो है यूज करेंगे इसके लिए, और यहाँ पे बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर देंगे। दोस्तों ये जो UPI ऐप होते हैं वो बैंक कंपैटिबल होते हैं, कोई भी बैंक उसके साथ में लिंक कर सकते हो, जैसे कि टेज हो गया, आप भीम हो गया, तो ये सारे UPI ऐप से जो है 50,000 रुपए तक एक दिन के अंदर यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं बिट फॉरेक्स के अंदर। तो उसके लिए जो भी आपकी UPI आईडी होगी उसको क्लिक करना पड़ेगा, और जितना अमाउंट आप यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहते हैं फॉर से 50,000 करना चाहते हैं तो वो करके सबमिट कर देंगे, और जब कुछ पासवर्ड वासवर्ड मांगा जाएगा आपसे तब वो जो है आपके अकाउंट में यहाँ से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे दोस्तों आपने नेट बैंकिंग से पैसा ट्रांसफर करते हैं, बहुत ईजी होता है, आप यूज करेंगे तो आ जाएगा, हम डिटेल अपनी डिस्क्लोज नहीं कर सकते इसलिए हम आगे का स्टेप नहीं दिखा रहे हैं। जब आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा तब आप जनरेट वाउचर करेंगे, और जनरेट वाउचर करने के बाद जैसा हमने स्टेप फॉलो किया था और जैसे हमने पहले बताया था, तो आपके जो bitbns में वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। दोस्तों ये था प्रोसेस कि आप डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं bitbns के अंदर, और आप बात करते हैं कि कैसे विड्रॉ करेंगे, वो भी बहुत आसान तरीका है, सिंपल सा, वहां पे रिक्वेस्ट वाउचर करेंगे और ऐसी ईमेल आईडी bitbns के अंदर आपको मिली हुई थी जो आपकी होगी, प्लस जितना अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हैं उसको आप सेंड रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और जैसे ही आप करेंगे तो कुछ टाइम के बाद में जो bitbns की रिक्वेस्ट वहां पे पहुंच जाएगी, और bitbns जो है आपके bitforex.com के अंदर आपको अमाउंट डाल देगा। दोस्तों जो आपने bitbns से विड्रॉल मारा होगा वो यहाँ पे इनके बैलेंस में दिखाई देने लगेगा, उसके बाद में आप जो है बैंक की डिटेल यहाँ पे डाल के, जो कि एक बार डालनी पड़ेगी और बार बार नहीं डालनी पड़ेगी, उसको डालने के बाद में डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर ले सकते हैं। दोस्तों बहुत इजी है, सिर्फ सिंपल रिडीम और जनरेट वाउचर का खेल है, यानी कि 2-3 बटन्स के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ सकते हैं बैंक अकाउंट से और जा सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब बैंक अकाउंट में ट्रांसफर लेते हैं तो कंपनी का कहना है, बिट फॉरेक्स का कहना है कि 1 दिन से 3 दिन तक वो लगा सकते हैं आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए, जो यूजुअली सारे एक्सचेंज इतना ही टाइम लगाते हैं ट्रांसफर करने के लिए। दोस्तों जैसे कि हम सबको पता है कि अब डिपॉजिट करना जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है उसके अंदर सारे एक्सचेंजेस ने मना कर दिया है, और कई किसी ने पीयर टू पीयर यूज करना शुरू कर दिया है, या इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं जैसे कि हमने बताया स्क्रिल हो गया, नेटल हो गया, वहां से ट्रांसफर करने में पैसा ज्यादा लगता है। तो आपके लिए सिंपल इजी टू यूज है, आपको 2-3 बटन्स के अंदर जैसा कि हमने स्टेप बताया है वैसे फॉलो करेंगे, बहुत इजी रहेगा विड्रॉ करना और डिपॉजिट करना, और पूरा लूट एंड रेगुलेशन के हिसाब से आप कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी कोशिश कि हम एक और नया तरीका बता सकें जो कि bitbns ने लॉन्च किया है, और बहुत इजी टू यूज है, ना पीयर टू पीयर का ट्रेडिंग का चक्कर झंझट पड़ेगा, ना इंटरनेशनल साइट से झंझट पड़ेगा, और आप इजीली जो है क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में ट्रेड भी कर पाएंगे। अब ये कितना सक्सेसफुल रहेगा, क्या ये कब तक चलेगा, वो तो वक्त
ही बताएगा, बट हम तो उम्मीद करते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है और जो लेना देना है इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी को लेके, वो बहुत आसान हो जाए। बाकी दोस्तों वेबसाइट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं और इसको और समझ सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काम की लगी होगी और कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगी इंडिया के अंदर बिटकॉइन की और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के लिए, विड्रॉल के लिए, डिपॉजिट के लिए, जो आप INR में सोचते हैं। और अगर दोस्तों अगर ये वीडियो आपको काम की लगी है तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन क्लिक नहीं किया है तो उसको जल्दी से कर लीजिए, और साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट हमारी तरफ से आती है और जो भी वीडियोज हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वो आपको फटाफट मिलती रहे। और दोस्तों आप हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, क्या है वो टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, उनको भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज अपडेट है वो इंस्टेंटली मिलती रहे और आप हमेशा इन चीजों का फायदा उठाते रहें। अभी के लिए मैं विदा लेता हूं, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, आपका दोस्त पंकज।